अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं कजाकिस्तान में MBBS का स्टूडेंट हूँ। इसी इनटेक में मेरा एडमिशन हुआ है और 15 नवंबर को मेरी फ्लाइट है कजाकिस्तान की। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिफॉल्ट डॉक्टर के थ्रू आप अप्लाई करें, बिल्कुल ट्रस्टेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और थैंक यू वलीद भाई फॉर योर काइंड सर्विसेज, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। आप देख रहे हैं डी4 डॉक्टर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फाइनली MDCAT 2022 का जो रिजल्ट था वो PMC की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप मेरी राइट स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत सारे ब्लंडर्स इस मरतबा इस MDCAT में किए गए हैं, बहुत सारे हकायक जो ग्रेस मार्क्स की असल रियलिटी है वो आपके साथ शेयर करने लगा उस वीडियो में। मुझे जब से ये आपको बता पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब से ये रिजल्ट अनाउंस हुए रात से स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम 180 एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने को 10 से 20 मरतबा आंसर की को चेक किया, मेरे 180 मार्क्स बन रहे थे जिस पर मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अब जो नया रिजल्ट अनाउंस किया गया मेरे मार्क्स 170 हो गए। तो बच्ची कहती है कि सर मुझे बताएं कि हमने ऊपर फिल किया बबल और नीचे कार्बन कॉपी पे सेम आया, वो आगे पीछे तो हो नहीं सकते। उसके मुताबिक 170 बन रहे और रिजल्ट 170 आ गया। तो जितने बच्चों के मुझे मैसेजेस आए हैं सबके मार्क्स रिड्यूस हुए, किसी एक का एक नंबर भी नहीं बढ़ा, किसी एक का भी नहीं। तो ये थी मेन रियलिटी, और किसी को कहीं किसी बोर्ड में भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी के MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। डी4 डॉक्टर एडमिशन गाइडर बैरून मुल्क MBBS के तौर पे आपको गाइड करते हैं। इसके साथ एक किस्सा भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपको MBBS में कहीं पे भी एडमिशन की जरूरत हो बैरून मुल्क, तो आप हमसे राबता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अब हुआ ऐसे कि स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडमिशन करवाते हैं तो ग्रेस मार्क्स की असल हकीकत यह कि कल मेरे पास एक फादर है, एक बेटी के फादर, और वो मुझे कहने लगे कि हमने एडमिशन करवाना है फॉरन में। तो वो सरकारी अफसर थे, मैंने कहा सुनाए सर क्या अपडेट्स, MDCAT कैसा हुआ। कहते हैं कि MDCAT ऐसा हुआ और इस वजह से मैं आपके पास आया हूं कि मुझे एक दोस्त की तरफ से जाती हैसियत में कॉल आई। तो मैंने पूछा हाँ जी बताएं, मेरी बेटी का उन्होंने पूछा MDCAT के बारे में। तो मैंने कहा उसने MDCAT दिया है। तो वो कहते हैं सर क्या एक्सपेक्टेशन है। कहते हैं 170-180 आ जाएंगे इंशाल्लाह, मेरिट पे आ जाएगी। तो मेरिट पे तो ना आई वो बच्ची, तो उन्होंने कहा सर 100% मेरिट पे आएगी। उन्होंने कहा किस तरह से। उन्होंने कहा सर 30 लाख रुपए लगेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है जो पैसे इकट्ठे कर रहा है, और इस ये ग्रेस मार्क्स का जो सेशन था इस टाइम पे गड़बड़ की गई है सारे सिस्टम के अंदर। तो उसने कहा बस वो रिजल्ट में आगे पीछे कर देगा और परेशानी की कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो बड़े ऑनेस्ट थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये हराम है, और अगर मैं हराम के पैसे लगाकर इसको 5 साल पढ़ाऊंगा तो वो तालीम भी हराम की होगी और अगली जिंदगी भी जो है वो हराम ही कमाएगी। तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं इसका अगर होता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो बेस्ट है, अदरवाइज पाकिस्तान में तो मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं इसके एडमिशन कजाकिस्तान में करवा दूंगा। क्योंकि आपको पता है कजाकिस्तान में हम रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं अभी भी मेरे पास 3 वीजे पड़े हैं स्टूडेंट्स के, जिनके वीजे लग गए, ये उनके पासपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, दूसरे का ये है और तीसरे का ये वीजा लगा पड़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो एडमिशंस भी ये एडमिशंस लेटर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हो रहे हैं। तो इसी वजह से वो डिस्कस करने आए थे, आज उनके फाइनल भी हो जाएगा एडमिशन का। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर अब सिस्टम हुआ है MDCAT के ग्रेस मार्क्स से। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व है आप सब लोगों को पता है, PDM का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा करप्ट है, 10% के नाम से जाना जाता है। एनी हाउ आपको पता है गुज़िश्ता PMC में भी काफी ब्लंडर्स हुए, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए, इस मरतबा भी एक्सपेरिमेंट ही हुआ और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या नतीजे जा रहे हैं। जिन बच्चों का MDCAT रिजल्ट पास हो गया उनके लिए वेल विशेज हैं। अब MDCAT रिजल्ट को आपने किस तरह फाइंड करना है मैं आइए आपको वो भी बता देता हूँ, आप किस तरह अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं pmc.gov.pk। ये विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी, यहाँ से इसको आप क्रॉस करें, यहाँ पर आप देखें MDCAT 2022 रिजल्ट आर अवेलेबल नाउ, इसके ऊपर आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं MDCAT 2022 का रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह एंटर करके और अपना या CNIC नंबर एंटर करके आप यहां पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे अगर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के फॉर्म में तो यहां से आप अपना MDCAT सेशन सेलेक्ट करें कि 2020 वाला या 22 वाला, जोन सा भी आपने सेलेक्ट करना है, 2022 का तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, इससे पहले वाला जो है
वो यहाँ पर अवेलेबल है 2021 और 2020 के, तो 2022 वाला आज दोपहर तक अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। मजीद नोटिफिकेशन ये आप चेक कर चुके होंगे पीएमसी की तरफ से, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो सर्टिफिकेट है पीएमसी की वेबसाइट पर वो आज डे टाइम में अवेलेबल होंगे। तो इस हवाले से जो भी आपके कमेंट्स हो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका जो भी पीएमसी के साथ एक्सपीरियंस रहा, आपके नंबर बढ़े हैं इनक्रीज या कम हुए हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।